प्रिय साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और यह स्वागत सिर्फ आपका है। आज की ये जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ यह स्वागत के योग्य नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे ऐसी बात नहीं है, वो निराधार थे। मैंने पता किया, स्वयं भी जो मैं पंचकूला के एक दो चक्कर लगे वहाँ से भी विश्वसनीय सूत्रों से पता किया उस भर्ती की अपडेट का, परंतु वो सब चीजें निराधार साबित हुई। और आज मैं जो आपको ये न्यूज़ देने जा रहा हूँ यह बिल्कुल विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि इस भर्ती के ऊपर कोर्ट केस हो चुका है और यह भर्ती जो है लगभग ठंडे बस्ते में चली गई। क्यों? क्योंकि आरोही सेल ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि जिस चीज के ऊपर जिस पार्ट पे केस हुआ है उसे छोड़ करके हमें जो है आज्ञा दीजिए ताकि हम यह प्रक्रिया पूर्ण करें, परंतु ऊपर से अभी तक उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आया है। और मैं आपको बाई रूट जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ये दिखा रहा हूँ और आप सर्च करें हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। अब ये देखिए नीचे इसके पोर्टल पर चल रहा है कि वेलकम टू केस स्टेटस सिस्टम ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो अब हमें जो है यहाँ केस का टाइप लिखना है। केस का टाइप है फर्स्ट वाला CWP, ये लीजिए, और केस का जो नंबर है वह है 31231। ये हमारा 31231 जो है केस का नंबर है। और इसके बाद में यह पूछ रहा है कि केस ये भर्ती पर कब हुआ, तो प्यारे दोस्तों यह 2019 से ही इसके ऊपर केस दर्ज हो गया था। अब हम सर्च करते हैं और आप भी अपने क्रोम पे या गूगल में जाकर के यह देख सकते हैं। और जब हम इसको सर्च करते हैं तो देखिए यह आता है कि केस डिटेल, केस टाइप CWP, केस नंबर 31231 और केस ईयर 2019, CWP 31231 और पोजीशन नेम है रमन कुमारी एंड अदर्स, इन्होंने ये केस डाला हुआ है। और रिस्पोंड नेम है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स और एडवोकेट जो हमारे हैं वो है जसबीर मोर और स्टेटस है इंट्रीम रिलीफ और नेक्स्ट डेट जो है वह 4 दिसंबर 2020 की है। तो प्यारे साथियों 4 दिसंबर 2020 को क्या निर्णय आएगा यदि कोर्ट यह कहती है कि ठीक है आप अपनी जो कार्रवाई है वह कीजिए और इसके ऊपर हम विचार करेंगे तब एक अलग बात है, और यदि वो यह कहते हैं कि नहीं इसका एक पैनल बनाया जाएगा, पैनल के तत्वज्ञान में जो बातें आएंगी, पैनल जो है जो रमन कुमारी एंड अदर्स है उनसे भी जो व्यूज लेंगे और फिर इसके ऊपर देखा जाएगा कि ये बोर्ड की गलती रही आरोही की या उनकी सेटिस्फेक्शन जो है वो निर्णय जो उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाएगी। और यदि तारीखों पर तारीख वाली कहानी शुरू हो जाती है तो आप मान करके चलिए कि 5-6 तारीखें और यानी 2021 भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये अब आरोही के दायरे से बात ऊपर चली गई है, इतना सत्य है, क्योंकि कोर्ट की इंटरफेयर इसमें हो चुकी है। अब वहां से यदि वो रिलीफ देते हैं, इंटरिम रिलीफ देते हैं कि यू कैन डू प्रोसेस, तो बात बन सकती है। लेकिन मुझे यह लगता है कि अब बात जो है बननी बड़ी दूर की बात है, इसीलिए वो जवाब नहीं दे रहे, साइटें बंद हैं। लेकिन हमें इस भर्ती के अतिरिक्त जो हमारे पास ऑप्शन है उनके ऊपर गौर करनी होगी और अपनी तैयारी जो है दूसरे एग्जाम के लिए तेज कर दें। HSSC ने काफ़ी एग्जाम की जो डेट निकाल चुकी है उनकी तैयारी करें। अभी इसके ऊपर हम आश्वस्त नहीं हैं और जो हम सोच रहे थे कि धरने वगैरह दें या न्यूज़पेपर में निकालें, कुछ साथियों ने हमारे किया भी है, बलवीर जी वगैरह ने मेरे पास पिक शॉट भी भेजी थी कि जी हमने देखो ये लोग हैं हमारे साथी, वो प्लीज़ जो है इस न्यूज़ को यदि सुनते हैं तो अपना कमेंट अवश्य छोड़िए कि आपने किस स्तर पर कहाँ तक क्या क्या कार्य किया था, ताकि हमारे भाई और ये जान भी सकें कि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि कोई चैनल के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी इसका पार्ट हूँ। और वैसे अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ
तो मैं अपने चैनल गुरुजी आरपी शोराण पर हरियाणा जी के वो भी ट्रिक से वीडियो बना रहा हूँ, और इंडिया जी के वो भी मैं अपनी ट्रिक से बना रहा हूँ, और हिंदी ग्रामर भी है। वैसे मैं हिंदी और संस्कृत का टीचर हूँ, तो 6ठी क्लास से लेके प्लस टू की जो संस्कृत है वो भी जो है वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से आप मेरे चैनल में जब जाते हैं टॉपिक पर डबल क्लिक करें और आपको मिलेगी प्लेलिस्ट, वहां से आप वो देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अपना चैनल तो देखो समर्पित है स्टडी के लिए, सभी प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं भी एक भाग हूँ। और इस भर्ती से संबंधित मैंने जो वीडियो बनाई थी वो आप ऐसा ना समझें कि किसी और पर्पज से थी, कोशिश मैंने भी की है। और यदि आप चाहते हैं कि अपना रोल नंबर और नंबर आपसे शेयर करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन यह बात अवश्य है कि ये जो भर्ती है ये अब ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। आप इसको पर्सनली चेक करें, और यदि आपको इसमें नाम नहीं दिया कि ये आरोही से संबंधित है, कुछ शायद बोल दें ऐसा, तो वो वहां पर जाकर के आप जो है वहां पे ये स्टेटस ले सकते हैं कि जी ऐसा है या नहीं। और यदि आपके किसी वकील से जानकारी है या और है तो आप वहां से यह तथ्य निकाल सकते हैं, और कमेंट अवश्य कीजिए कि यह मेरी जो जानकारी है वह मिथ्या नहीं है, इसी से संबंधित है। तो प्रिय दोस्तों, हमने जितनी मेहनत की वह और करें, और आपके मंगल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तैयारियां करते रहें, यह तो हमारे जीवन का एक भाग है जो इस तरह चलता है। और सिर्फ जो है हम एक आस लगाए थे कि क्या हो सकता है, और बहुत से भाई आस छोड़ भी चुके हैं, लेकिन आस बनाए रखिए, शायद गवर्नमेंट जो है कोई अपना नया ऑर्डर दे जिससे इस भर्ती को ताकि पूरा किया जा सके, और वो करेंगे भी, क्योंकि ये लंबित विवाद चलते रहते हैं, प्रक्रिया जो है शेष जो बचा भाग है वह पूरा होता रहता है। तो अब हम जो विचार करेंगे वो यही कि 4 दिसंबर का फैसला क्या आएगा उसके ऊपर। तो पुनः मैं आपका जो है ये सहयोग करने के लिए धन्यवाद करता हूँ, और जो मेरा चैनल है वो मैं अब बोल रहा हूँ कि कृपया इसको सब्सक्राइब लाइक अवश्य कीजिए।